श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। जय पानीहाटी उत्सव की जय। तदीचिरा महामहोत्सव की जय। आज महान वैष्णव रघुनाथ दास गोस्वामी जी का दहीचिरा महोत्सव तिथि है। पानीहाटी में विजय उत्सव है। आज की नित्यानंद प्रभु के कृपा प्रार्थना आशीर्वाद प्राप्त किए थे। आज के दिन महान तिथि है। चालू करने से पहले मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि कल जगन्नाथ जी का स्थान यात्रा है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि कल 9:15 9:15 पर आप लोग जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा शुरू होगा। आप सारे लोग पहुँच रहिएगा और सारे लोग स्नान यात्रा दर्शन करिएगा 9:15। और जो लोग फेसबुक पर जो लोग पेज पर नहीं दर्शन कर सकते उनके लिए यूट्यूब पर भी अपडेट किया जाएगा। यूट्यूब आप लोग सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, लोगों को बोलें आसपास में सबको कि जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा यूट्यूब पर भी अपडेट किया जाएगा। क्योंकि यूट्यूब का जो नियम है अभी हमारा उतना नियम पूरा नहीं हुआ, इसलिए मैं डायरेक्ट यूट्यूब पर लाइव नहीं कर सकता। इसलिए आप लोग पेज पर लाइव दर्शन करिए। जो लोग यूट्यूब पर पेज पर नहीं हैं उन लोग यूट्यूब पर दर्शन करेंगे अपडेट के बाद। तो जो भी है कल आप लोग 9:15 या 20 पर हम यहां से लाइव चालू करेंगे। आप लोग लाइव दर्शन कर सकते हैं। आज रघुनाथ जी का पानीहाटी विजय महोत्सव है। उनके विषय में गुरु महाराज क्या लिखते हैं हम आज जानते हैं। आज लिखते हैं गुरु महाराज, दास रघुनाथस्य पूर्वाख्य रस रंजरी अमुंग केचित प्रभांसते श्रीमतिं दति मंजरीं भानुमत्याख्या केचिता हुं ताम हुंतम नाम भेदतः। कृष्ण लीला में जो रसमंजरी मतांतर में रति मंजरी अथवा भानुमति और गौर लीला में रघुनाथ दास गोस्वामी के नाम से प्रकट हुए थे। इनका जन्म के विषय में बता रहे हैं कि 1416 में हुगली जिले के अंतर्गत सप्तग्राम रेलवे स्टेशन के पास आदि सप्तग्राम में से कुछ दूर पे ही हुआ था, दक्षिणी दिशा में। वहाँ पर प्राचीन सरस्वती नदी के पूर्वी किनारे पर श्री कृष्णपुर ग्राम में रघुनाथ जी का आविर्भाव हुआ था। उनके सप्तग्राम से प्रकट स्थली 1 मील के अंदर ही था तथा 30 बीघा रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 मील दूर था। श्री रघुनाथ दास जी के पिता गोवर्धन मजूमदार थे और उनके बड़े भाई हिरण्य मजूमदार थे और दादी हिरण्य मजूमदार पुत्रहीन थे, उनको पुत्र नहीं था। यानी दोनों भाइयों के बीच में रघुनाथ दास गोस्वामी ही एकमात्र संतान थे। उस समय बता रहे हैं इनकी माताजी का तो कोई मतलब जानकारी प्राप्त नहीं है और इनके महाप्रभु के भक्त कालिदास जी जो थे चाँदपुर में रघुनाथ दास गोस्वामी के कुल पुरोहित थे।
और उन्हीं के कुल में यदुनंदन आचार्य जी, उनके उनका निवास था। यदुनंदन आचार्य प्रभु अद्वैत आचार्य प्रभु के अतरंग शिष्य थे। अद्वैत प्रभु चैतन्य महाप्रभु इन्हें प्राणों से भी अधिक मानते थे। वासुदेव दत्त ठाकुर भी उनके भी शिष्य विशेष कृपा के पात्र थे। हरिदास ठाकुर जब बेनीपोल में के जंगल में रह रहे थे, तो उस समय रामचंद्र खां ने एक वेश्या को प्रेरित करके उनको पतित करने के लिए भेजे थे, और 3 दिन तक उन्होंने उनके द्वारा नाम श्रवण की और उस वेश्या का उद्धार हो गया। और वहाँ से हरिदास ठाकुर छोड़ करके चाँदपुर बलराम आचार्य जी के घर पर आए। उसी समय यहाँ पर बता रहे हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी से मुलाकात हुआ। रघुनाथ दास गोस्वामी उस समय छोटे थे, पढ़ाई करते थे, और मतलब रघुनाथ दास गोस्वामी इतने कृपा पात्र थे कि हरिदास ठाकुर के दर्शन भी किए और उनकी हरिकथा भी सुनते थे, और महाप्रभु के सानिध्य भी प्राप्त हुआ था रघुनाथ दास गोस्वामी का। यहाँ पर लिखते हैं गुरु महाराज या चैतन्य चरितामृत में से लेके लिखते हैं, रघुनाथ दास बालक करें अध्ययन, हरिदास ठाकुर जयी करें दर्शन, हरिदास कृपा करें तहार ऊपरे, सही कृपा कारण है चैतन्य पाईवारे। यहाँ बता रहे रघुनाथ दास बचपन में पढ़ते थे और हरिदास ठाकुर जी के दर्शन किए थे, हरिदास ठाकुर जी उनके ऊपर कृपा किए, जिसके प्रभाव से ही चैतन्य महाप्रभु की प्राप्ति उनको हुई थी। वह शौक्र कायस कुल में उत्पन्न हुए थे और हिरण्य गोवर्धन मजूमदार की उस समय वार्षिक इनकम 8 लाख रुपए थी। उस समय बताते हैं कि 1 रुपए में 8 मन चावल मिलते थे, और अगर उसकी मूल्यांकन किया जाए तो उसका कई गुना आज होगा। रघुनाथ गोस्वामी विपुल संपत्ति के अकेले वारिस थे, और बचपन से ही विषयों से विरक्त थे। जिस समय चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर शांतिपुर में आए थे, उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी भी उनके दर्शन के लिए शांतिपुर आए थे, तो वहाँ पर उनके चरणों का दर्शन किए और वहाँ पर कुछ दिन रहे। अद्वैत आचार्य प्रभु उनके ऊपर बहुत कृपा किए। अद्वैत आचार्य प्रभु ने महाप्रभु का जब प्रसाद हो जाता था, तब उनका उच्चिष्ट प्रसाद अद्वैत प्रभु ने इनको देते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी को खाने के लिए, और वो श्रद्धा के साथ महाप्रभु की सेवा करते थे। और ये भी था, गोवर्धन मजुमदार और अद्वैत आचार्य प्रभु दोनों में श्रद्धा भक्ति थी, दोनों सेवा करते थे। और गोवर्धन मजुमदार के कारण ही रघुनाथ दास गोस्वामी से अद्वैत आचार्य प्रभु बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। शांतिपुर से जब नीलांचल को महापुरुष जाने लगे, तो रघुनाथ दास गोस्वामी अपने चित्त को स्थिर नहीं कर पाए, और वो विरह में प्रेमोन्मत्त में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। और रघुनाथ दास गोस्वामी की जो अवस्था उस समय थी, उसको देख करके उनके पिता ने 11 प्रहरियों की मदद से उन्हें कड़े पहरे में रखा। जो अवस्था थी,
महाप्रभु के दर्शन के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी बार बार घर से भाग जाते थे और बार बार उनके जो प्रहरी थे उनको पकड़ के लेके आ जाते थे और महाप्रभु के दर्शन के कारण रघुनाथ दास गोस्वामी वंचित हो जाते थे, दुखी होते थे। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की यात्रा किए, कन्हैयानाथ शाला से वापस आए, उस समय शांतिपुर में जब आए तो इनको पता लगा कि महाप्रभु शांतिपुर में आए हुए हैं, तो फिर उन्होंने उनसे मिलने के लिए आए, वहाँ पर मुलाकात हुआ और रघुनाथ दास गोस्वामी को ऐसा लगा जैसे उनके शरीर में दोबारा प्राण आ गया हो और अपने दुखों को उन्होंने महाप्रभु को निवेदन किया। तब महाप्रभु ने, तो अंतर्यामी हैं, सारी चीज़ें जानते हैं, तो महाप्रभु ने उनको क्या बोला, स्थिर हैया घोरे जाओ ना हो बातुल, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कुल, मरकट बैराग न कर लोक देखाइया, यथा योग विषय भुंजाना सक्त हैया, अंतरे निष्ठा कर बाहिरे लोक व्यवहार, अचिरात कृष्ण तुम्हारे कोरी बेन उद्धार। महाप्रभु बताते हैं कि आप घर पर जाओ, व्याकुल मत हो और धीरे धीरे ही धीरे संसार से उद्धार होगा और बंदर के जैसा मरकट बैराग मत दिखाओ, अंदर से बैराग दिखाओ, बाहर से जो समाज है सामाजिक व्यवहार करते रहो और भगवान तुम्हारे ऊपर, श्री कृष्ण तुम्हारे ऊपर बहुत जल्दी ही कृपा करेंगे, तुम्हें उद्धार करेंगे। हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसके विषय में, मरकट बैराग्य के विषय में बताते हैं, इसका मतलब महाप्रभु ने मरकट बैराग्य के विषय में क्या बताया। प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पर कि बाहरी तौर पर भोग बुद्धि वाला बंदर, बाहर से बंदर तो भोग बुद्धि दिखाई देता है, मतलब जिस प्रकार वह घर और वस्त्र आदि से रहित होता है वैराग्य युक्त व्यक्ति की तरह लगता है, परंतु वास्तव में वह इंद्रिय तर्पण में निवृत्ति नहीं होता, उसकी जो इंद्रिय तर्पण होती है उससे उसकी निवृत्ति नहीं होती। इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं उसी प्रकार दिखावटी बैराग को ही मरकट बैराग कहा जाता है। जो बैराग शुद्ध भक्ति से उन्मत्त न होकर कृष्णेतर वस्तुओं के प्रति कामना और वासना में बाधा पड़ने पर पैदा हुआ हो, जो शुद्ध भक्ति के अनुकूल रूप से जीवन भर अस्थायी न हो, क्षणिक और निरर्थक हो, वह शमशान बैराग या मरकट बैराग कहते हैं। प्रभुपाद बताते हैं कृष्ण सेवा करते हुए आवश्यक वस्तुओं को स्वीकार करके उन विषयों से आसक्ति रहित भाव किससे वास करने पर मनुष्य कर्मों के फल से अधीन नहीं होता। इसके विषय में आगे बताते हैं भक्ति रसा में सिंधु से, जावत स्यात स्वनिर्वाह स्वयं कुरिया तावत अर्थविद, आधिक्य न्यूनता यांच चेवते परमार्थतः। फल्गु वैराग्य या युक्त वैराग्य किसे कहते हैं, बहुत ही स्पष्ट रूप में यहाँ पर लिखे हैं कि प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यति। अर्थात हरि सेवाय जहाँ अनुकूल विषय बलिया त्यागे हय भूल, अनासक्तस्य विषयान यथार अहम उपयुंजत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यम उच्यते। अर्थात
आसक्ति रहित संबंध सहित विषय सम्मुख सकली माधव। यहाँ बता रहे हैं बहुत ही हमारे जानने योग्य चीज है कि भगवान की सेवा के लिए जो जो चीज अनुकूल है यदि हम उसको विषय समझ करके छोड़ देंगे तो हमारी भूल होगी। इसके अलावा संसार की आसक्ति से रहित तथा भगवान के साथ संबंध उत्त होकर देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, ऐसा मालूम पड़ेगा कि सभी विषयों के मालिक भगवान माधव हैं। हमारा कुछ भी नहीं, हम त्याग किस चीज की करेंगे। यह है कि जो चीज की जरूरत है उसको हम, जो अनुकूल है हमारे भजन के लिए उसको हम ग्रहण करेंगे, जो अनुकूल नहीं है उसको हम त्याग देंगे। कि हमारे त्यागने वाली चीज नहीं है कुछ, फिर भी जो भगवान के अनुकूल है, भगवान के भजनों के लिए अनुकूल है उस चीज को हम ग्रहण करेंगे, जो भगवान के भजनों के लिए अनुकूल नहीं है उस चीज को हम स्वीकार नहीं करेंगे। जो भक्त हैं भगवान के वो यही करते हैं, संसार में रहते हुए जो चीज़ की जरूरत है भगवान की सेवा के लिए अपने भजन के लिए उसको स्वीकार करते हैं, जो चीज़ की जरूरत नहीं है उसको छोड़ देते हैं। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने उनको उपदेश दिया, उपदेश देकर के और रघुनाथ दास गोस्वामी अपने घर वापस आ गए। आकर के वह बाहर से जो वैराग्य का जो उनके ऊपर भूत सवार था वह उतर गया और रघुनाथ दास गोस्वामी जी अनासक्त होकर के विश्व अपने संसार के कामों में लग गए। यह देख करके उनके पिताजी बहुत ही खुश हुए कि कम से कम अब ये लड़का सही हो गया। उसके बाद पहरेदार वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सेवा वगैरह करने लगे, घर का जो काम है अपना सारा कुछ देखना शुरू देखने लगे। उस समय राजा जो थे, राजा और जमींदार के बीच में एक बिचौलिया होता था, तो राजा सॉरी जो प्रजा से कर वसूल करके उसका चौथाई हिस्सा अपने पास रखकर बाकी जमींदार के खजाने में जमा करवा देता था, उस जमाने में उसे चौधरी कहा जाता था। हिरण्य मजूमदार जमींदार थे ही, उस बिचौलिए जो मुसलमान चौधरी था उसको हटाकर सप्तग्राम के मुकुलपति से सीधा संबंध स्थापित किया और लेन देन की अस्थाई व्यवस्था कर दी वहाँ पर। और हिरण्य मजूमदार 20 लाख वसूल करके राजा को उसका एक चौथाई हिस्सा अर्थात 5 लाख छोड़ करके 15 लाख रुपए जमा कर देते थे और 12 लाख ही जिस, परंतु हिरण्य मजूमदार ने सिर्फ 12 लाख ही दिए जिससे वह मुसलमान चौधरी अपने को मिलने वाले हिस्से से वंचित हो गया। मुसलमान चौधरी वो वंचित हो गया, उसको पैसा नहीं मिला, जिसके कारण वह चौधरी हिरण्य गोवर्धन को कट्टर विरोधी अपना समझने लगा। और रघुनाथ जी अपने घर पर वापस आए, शिक्षा जो महाप्रभु की थी उसको स्मरण करके युक्त बैराग के साथ सहारा लिया और अपना भजन साधन करने लगे, संसार में रहने लगे। अंदर से वह वैराग्य भाव और बाहर से विषयी की भांत काम करने लगे और परंतु यह समाचार पाकर महाप्रभु जी मथुरा से वापस आ गए हैं, रघुनाथ जी उनके पास जाने के लिए तैयारी करने लगे। उन्हीं दिनों मलच्छ जो मुसलमान जो चौधरी था वह लाभांश से वंचित होने के कारण हिरण्य मजूमदार के खिलाफ शिकायत कर दी, जिसके फलस्वरूप कैद होने के डर से हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार दोनों जो है
राजा के वजीर ने आकर मुसलमान चौधरी की प्रेरणा से रघुनाथ दास गोस्वामी को कैद कर लिया। वो तो भाग गए दोनों जन, और चौधरी की प्रेरणा से वह रघुनाथ दास गोस्वामी को ही कैद कर लिया, लेके चला गया। अब मुसलमान तो है ही हैं, वो किसके सुनने वाले हैं, तो इनको ले जा कर के घर पर बांध करके रखा और इनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ना कर रहा था, गाली गलौज देता था। लेकिन इनका स्वभाव और इनकी मुख की सुंदरता, कोमलता को देख करके वह जब भी इनको मारने के लिए जाता था तो मार नहीं पाता था, उसके हाथ उठ नहीं पाते थे मारने के लिए। इस तरह से वो गाली गलौज करके रघुनाथ दास के ऊपर चले आते थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने विचार किया, और एक बातें भी है कि वो क्रोधित तो होता था, मार नहीं पाता था, और ये भी डरता था कि ये कायस्थ है, बनिया जात का है, ये इसके पास बुद्धि बहुत होती है, ये कौन से बुद्धि से मुझे फंसा देगा कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए उससे डरते भी थे। तो उसने बार बार पूछा कि तुम अपने पिताजी का और चाचा जी ताऊ जी का बता दो कहाँ है वो। बोलता कि मुझे तो पता नहीं। फिर भी वो झगड़ा नहीं करते थे, शांति से बातचीत करते थे। तो एक दिन उन्होंने बोला कि पिताजी और ताऊ जी जो हैं और आप तीनों भाई हो, मेरे पिताजी जैसे मेरे पिता हैं वैसे आप भी तो मेरे पिता ही हो, मेरे पिताजी जिस प्रकार से मेरे पालक हैं वैसे आप भी तो मेरे पालक हो, जैसे मैं अपने पिताजी का पालने हूँ आपके भी तो पालने हूँ। इस तरह से उनको आपका इस तरह से मुझे डांटना और फटकारना, गाली देना उचित नहीं है। सारे शास्त्रों में आप ज्ञाता हैं, जिंदा पीर हैं, आपको ज़्यादा कहना छोटी मुँह बड़ी बात होगी। इस प्रकार से उन्होंने उनको समझाया। रघुनाथ दास जी की एक इतनी सुंदर स्नेहमयी बातें सुनकर के वह चौधरी रोने लगा और बोला, आज से तुम मेरे पुत्र हो, लेकिन जाओ मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तुम अपने किसी भी तरह से ताऊ से मिलवा दो। उसके बाद बड़े चतुराई से रघुनाथ दास को स्वामी बड़े मधुर मीठी वाणी से चतुराई से व्यवहार पिताजी के साथ सबसे मुलाकात करवाया और जो भी मतलब शांति करा दिया, बातचीत करवा दिया। और उसके बाद जो है रघुनाथ दास और स्वामी जी के पिताजी चिंता करने लगे कि लड़का बड़ा हो गया है, बुद्धिमान हो गया है, और न जाने कब इसकी भूत सवार हो जाए, इससे अच्छा है संसार में काम कर रहा है तो इसको जो है अच्छी लड़की कोई देख करके शादी कर दें। तो एक सुंदर लड़की के साथ उनका विवाह करवा दिए। बहुत दिनों तक चलता रहा अच्छे से, परंतु रघुनाथ जी के हृदय में संसार की जो वासना वह नहीं थी, वह सांसारिक वैराग्य उनके हृदय में प्रकट हो चुका था और सुलग रहा था, धीरे धीरे बाहर वह आ रहा था। एक साल जब बीत गया तब रघुनाथ दास गोस्वामी फिर से मन महाप्रभु से मिलने के लिए व्याकुल हो गए। परंतु जब भी वह निकलते थे तो उनके पहरेदार लोग उनको पकड़ करके लाके रख देते थे। बीच बीच में यही क्रम चलता रहा। तो उनकी माता जी गोवर्धन से बोलती हैं, गोवर्धन मजूमदार से, कि इसको सिकंड में बांध के रखो, इसका दिमाग खराब हो गया है, इसको सिकंड में बांध दो। तो उनके पिताजी क्या बोल रहे हैं, इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम ये सब अबांधित नारी लेकर झारमोन, मतलब इंद्र के समान मेरा ऐश्वर्य है, अप्सरा के समान इसकी स्त्री है, जब यह सब इसको नहीं बंधन कर पाया, दड़ी रे बंधने तारे राखी बा के मत, डोरी से अगर जंजीर में इसको बांध देंगे
तुम किस प्रकार से बांधोगे? जन्मदाता माता नारे, जन्मदाता पिता नारे प्रारब्ध खंडायते। पुत्र के जो पिता हैं वह अपने पुत्र के जो कर्म है उसको खंडा नहीं सकते, खंडन नहीं कर सकते। जो उसके कर्म में है पूर्व जन्मों में वह उसको भोग करना ही पड़ेगा। चैतन्य चंद्र कृपा हैया सज हरे। चैतन्य प्रभु बातुल के राखते पारे। चैतन्य चंद्र की जिसके ऊपर कृपा हो गई है, ऐसे चैतन्य प्रभु के जो बातुल जो पागल लोग हैं उनको कौन बांध सकता है? उसके बाद जो है इस प्रकार से गोवर्धन मजुमदार अपनी पत्नी को समझाए। रघुनाथ दास गोस्वामी चिंता कर रहे हैं कि किस तरह से मैं इनसे मुक्ति पाऊं, संसार से मुक्ति पाऊं। यही सब चिंता करते करते उनको समाचार मिला कि नित्यानंद प्रभु पानीहाटी में पधारे हुए हैं। तो पतित पावन नित्यानंद प्रभु की कृपा पाने के लिए उन्होंने संसार से मुक्ति संभव होगी यही सोच करके वह रघुनाथ दास से पानीहाटी की ओर चल दिए। और जब वहाँ पर पहुँचे तो नित्यानंद प्रभु जी, जिस समय रघुनाथ दास जी गोस्वामी जी वहाँ पहुँचे उस समय नित्यानंद प्रभु जी गंगा जी के किनारे एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए थे तथा बहुत से भक्त उनको घेरे हुए थे। नित्यानंद प्रभु के दर्शन करके दूर से ही रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनको प्रणाम किया और नित्यानंद प्रभु ने कृपा से आद्रचित होकर उनको जबरदस्ती खींच कर अपने पास बिठा लिया और उनके सर पर अपने चरण कमल रख दिया। रघुनाथ जी का मन भाव जानकर उनकी इच्छा जैसे भी हो वह पूरी होगी ऐसा आशीर्वाद दिया तथा उन्होंने पार्षदों अर्थात वैष्णवों की सेवा करने के लिए सुझाव दिया। क्या बोले? निकटे ना आइस चोरा भाग दूरे दूरे आजी लाग पाइया छी दंडे मु तुम्हारे दधी चीड़ा भक्खन करा मोर गने सुनिया आनंद हैला रघुनाथे रमने। अर्थात कि चोर तुम आज पकड़े गए हो, तुम जब भी भागकर दूर दूर भागते रहते हो, आज तुम्हें मैं पकड़ लिया हूं, आज तुम्हें मैं दंडक दूंगा। और दंड क्या कि दही चीरा का उत्सव करो, मेरे जो भक्त लोग हैं इनको दही चीरा खिलाओ। रघुनाथ गोस्वामी बहुत ही आनंद हुए और तुरंत उन्होंने क्या किया, लेटर दिया और वहाँ पर उनके निर्देश से पानीहाटी में चीरा दही उत्सव हुआ। और उनके चाचा जी जो थे उन्होंने बोले जितना पैसा लगता लगाओ, वो अगर जितना खर्चा करता करो, लेकिन वो ठीक रहे। तब उन्होंने सारा पैसा जो भी खर्चा हुआ सारा खर्चा कराए। उसके बाद उन्होंने रघुनंदन प्रभु को लेकर के साथ में जिस जो जैसा ब्राह्मण वैष्णव था उसको उसी के अनुसार उनको प्रणामी की व्यवस्था की, सारी व्यवस्था की। और उसके बाद कृपा के सागर नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ जी के सर पर अपने चरण कमल को रख करके बोले, तुम्हें जे करायला यही पुलिने भोजन तो माया कृपा करी गौर कैला आगमन, कृपा करी कैला चिड़ा दुग्ध भोजन नित्य देखी दात्रे कैला प्रसाद भक्खन तुमा उद्धारते गौर आइला अपने कुटिल तुमार छुटिल को तुमार जत विघ्न आदि बंधने स्वरूपेर स्थाने तमा करिबे समर्पणे अंतरंग भृत्त बली राखिबे चरणे निश्चिंत हैया जहा आपन भवन अचिरे निर्विघ्न पावे चैतन्य चरण। अर्थात नित्यानंद प्रभु बता रहे हैं कि जो तुमने भोजन कराया इससे तुम्हारे जो सारे वैष्णव लोग खुश हुए हैं और चैतन्य महापुरुष स्वयं आकर के यहाँ आए हैं यहाँ पर और चिड़ा देवी का भोजन किए हैं और नित्य किए हैं और दोबारा रात को भी भोजन पर खाए हैं, प्रसाद पाए हैं,
और तुम्हारे लिए ही नित्यानंद, तुम्हारे लिए ही गौर यहां पर आए हैं, और आज से तुम्हारा बंधन छूट गया। स्वरूप के स्थान पर भविष्यवाणी कर दी। वैष्णव सेवा करने से ये फल होता है कि बोलते हैं आज तुम महाप्रभु को जल्दी से बहुत जल्दी पा जाओगे, और वहां पर जाने के बाद तुम्हें स्वरूप दामोदर के चरणों में सौंप देंगे वह, और निश्चिंत होकर के तुम अपने घर पर जाओ। उसके बाद उन्होंने यहाँ पाए। आने के बाद कुछ दिन के बाद रघुनंदन जदुनंदन आचार्य आए, और रघुनाथ दास को स्वामी को बोलते हैं, रघुनाथ मेरा जो शिष्य था पुजारी वह चला गया है, पूजा में बहुत विघ्न हो रहा है, ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं, तुम एक काम करो, तुम तो उसके मित्र हो, तुम थोड़ा समझा बुझा करके उसको ले के आओ, चलो मेरे साथ। तो पहरेदार लोग सोए रहे थे और वो निकल गए रात को। जब 3 पहर बीत गया तब वो बोलते हैं कि गुरुदेव आपको जाने की जरूरत नहीं, आप क्यों कष्ट करके जाएंगे, मैं जा रहा हूँ, आप मंदिर में जाइए, मैं जा रहा हूँ और उसको समझा बुझा कर लेके आऊँगा, बोल करके और गुरुदेव को मंदिर में भेज दिए। और ये क्या किए, झाड़ी जंगल मेन रास्ते से नहीं जा रहे हैं, झाड़ी जंगल होते हुए जो 1 महीने का रास्ता रघुनाथ दास को स्वामी ने 12 दिन में पार किया, और कहाँ खाए कहाँ नहीं खाए किस पता नहीं किसी को। और भी जब महाप्रभु के पास पहुँचे तो महाप्रभु आनंद से व्याकुल हो गए और स्वरूप के चरणों में सौंप दिए, स्वरूप आज से तुम्हारा स्वरूप रघुनाथ, तुम इसके देखभाल सब कुछ करोगे, खाने पीने सब कुछ की भी देखभाल करोगे। और उसके बाद जो है वहाँ पर रहने लगे स्वरूप दामोदर के साथ, और इतना वैराग्य स्वरूप दामोदर प्रभु महाप्रभु के प्रसाद तो देते ही थे खाने के लिए। इन्होंने क्या किया कि वहाँ से वैराग्य इतना प्रबल था कि जो सिंह द्वार है वहाँ पर आकर के भिक्षा करके खाने लगे, माधोगिरी करके खाने लगे। तब महाप्रभु पूछते हैं क्या बात है, रघुनाथ दास दिखाई दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ रहता है वो आजकल? बोलते हैं वो आजकल नरसिंह द्वार में बैठ करके माधोगिरी करके खाता है, भिक्षा करके खाता है, ओ वेश्या का धंधा किया है। रघुनाथ दास को समय को जब पता लगा तो उन्होंने भिक्षा करना छोड़ दिया। और जो पंडा लोग चावल बनाते हैं जगन्नाथ जी के भोग के लिए, और जो चावल धो धा करके जब वो नाली में गिर जाता है तो उसको ये इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके और सफाई करते हैं, साफ सुथरा करके बढ़िया से धो धा करके फिर उसमें नमक वगैरह मिला करके ये खाते हैं। महाप्रभु पूछते हैं स्वरूप दामोदर से कहाँ है आजकल, आजकल तो सिंह द्वार पर भी नहीं दिखे दिखता, क्या करता है, कहाँ क्या खाता है? तब उन्होंने बताया कि आजकल वो नाली में जो चावल पड़े होते हैं उसको निकालता है, उसको धो करके नमक वगैरह डाल के उसको खाता है। ओ अच्छा। तो एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी चावल तैयार करके नमक डाल वगैरह करके जैसे ही खाने के जा रहे थे उसी समय चैतन्य महाप्रभु पहुँचे और एक मुट्ठी निकाल करके खा ली। वहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी रोने लगे, अरे महाप्रभु क्या कर रहे हैं आप, ये क्या है, ये आपके खाने वाली चीज़ नहीं है, आप इसको खा रहे हैं? महाप्रभु बोलते हैं इतने स्वादिष्ट भोजन तुम अकेले अकेले खा लेते हो। तब उन्होंने उनके साथ रहे कुछ दिन, रहने के बाद महाप्रभु जब अंतर्ध्यान हुए, स्वरूप दामोदर प्रभु भी जो अंतर्ध्यान हो गए तो रघुनाथ दास गोस्वामी को रह नहीं गया, व्याकुल हो गए। उनकी जो कर्चा था मतलब डायरी जो थी स्वरूप दामोदर प्रभु की, उस डायरी को लेकर के ही
रघुनाथ दास गोस्वामी आत्महत्या करेंगे गिरिराज के ऊपर से कूद करके, यह भावना लेकर के उन्होंने जब वृंदावन आए, रास्ते में ही स्वरूप दामोदर महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को, रघुनाथ रूप गोस्वामी को, गोपाल भट्ट गोस्वामी को सबको स्वप्न बताया कि रघुनाथ जा रहा है गिरी से कूद करके आत्महत्या करेगा, उसको तुम लोग संभाल करके रखो। तो इन लोगों ने उनको संभाल करके रखा और बड़े ध्यान से उनको रखा। जब वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के लिए उनको सबको सब लोगों ने बोला कि लिखने के लिए, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास खर्चा है यानी डायरी है स्वरूप दामोदर प्रभु की, उसकी सहायता से तुम लिखो। तो उसके द्वारा और वृंदावन दास ठाकुर के जो चैतन्य भागवत है उसके द्वारा संक्षिप में मिला करके चैतन्य चरितामृत उन्होंने लिखा। लेकिन उसमें उन्होंने जो है बहुत कम ही अपना नाम लिखने के लिए बोला, और महिमा बहुत है उनकी। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में भजन करते थे तो उनकी कुटी नहीं थी। एक दिन सनातन गोस्वामी देखते हैं कि उनके माथे के ऊपर छाया अपने आंचल से छाया दे रही है राधा रानी। वो आकर के बोलते हैं, रघुनाथ तुम एक झोपड़ी नहीं बना सकते, तुम राधा रानी की सेवा ले रहे हो। तब उन्होंने अपना एक कुटी बनाया। उस कुटी में मच्छर बहुत ज़्यादा लगते थे। रघुनाथ गोस्वामी ने सोचा कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मच्छर लगते हैं यहाँ पे। तो शिव जी ने वहाँ से मच्छर भगा दिया। और एक सेठ बद्रीनाथ जा रहा था सेवा करने के लिए, पैसे लेकर के मैं बद्रीनाथ की सेवा करूँगा। तो रास्ते में बद्रीनाथ जी ने उनको स्वप्न दिया कि रघुनाथ गोस्वामी हमारे भक्त हैं, उनकी इच्छा है कि राधा कुंड और श्याम कुंड की चारों तरफ से घेरा बनाया जाए। तुम ये पैसा लेकर के जो मेरे सेवा में आ रहे हो, ये पैसा वहाँ पर ले जा करके उनको दो, मेरी सेवा हो जाएगी। तो सेठ राधा कुंड में आया, रघुनाथ दास गोस्वामी से मिला, बात किया, उसके बाद पैसे देने लगा। रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं, देखो मैं तो विरक्त आदमी हूँ, भजनशील हूँ, ये सब पैसे लेकर के मैं क्या करूँगा, मेरे से ये सब नहीं हो पाएगा, तुम एक काम करो तुम ही बनवा दो। तो सेठ ने राधा कुंड का जो चबूतरा बना हुआ है, चारों तरफ से घेरा बना हुआ है, उस सेठ ने बनाया। उसके बाद श्याम कुंड का जब बन रहा था तो जो एक साइड में देखेंगे आप लोग, चबूतरा नहीं बना है, ऐसे माटी का वैसे ही है। तो वहाँ पर पंच पांडव पेड़ के रूप में विराजमान थे, भजन कर रहे हैं वहाँ पर। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को रात में स्वप्न दिए कि रघुनाथ हम पंच पांडव हैं, हम लोग यहाँ पर पेड़ के रूप में रह कर के भजन कर रहे हैं, तुम इसको कटवा दोगे तो हम लोग भजन कैसे करेंगे, इसलिए इसको मत कटवाओ। तब रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनको जो है बोला, इसको काटना नहीं, इसको ऐसे छोड़ दो। वो आज भी ऐसे छुटा हुआ है, उसको चबूतरा नहीं बनाया गया है। इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी की अनंत महिमा, यहाँ तक कि रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन में वो सिर्फ एक दोना छाछ पी के रहते थे, छोटा सा दोना से छाछ पीते थे। और एक दिन उनका सेवक चंद्रावती के बगीचे में जाकर के बड़ा दोना लेके आया कि बड़े पत्ते में दोना बना करके देंगे तो पेट भरेगा, नहीं तो एक दोने से क्या होता है इनका। तो बड़ा दोना देख करके वो आश्चर्य पड़ गए कि आज इतना बड़ा दोना कहाँ से आया, पूछे इतना बड़ा दोना कहाँ से लाए। बोलते हैं चंद्रावती के बगीचे में गया था, वहाँ से पत्ता लाया।
साथ साथ दोना छाछ के साथ दोने को फेंक दिए। उसके बगीचे से तुम लाए हो, मैं उसका कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि चंद्रावती जो थी वह स्वकीय भजन करती थी, स्वकीय भक्त थी भगवान की, और राधा रानी परकीय भक्त थी। रघुनाथ दास गोस्वामी परकीय भक्त हैं, इसलिए स्वकीय भक्त का चीज ग्रहण नहीं करेंगे। इस कारण से बहुत सी महिमा है उनकी, महिमा अनंत है, करने जाएंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, टाइम भी नहीं है। जो भी है, रघुनाथ दास जी हम लोगों पर कृपा करें कि हमारे अंदर भी ऐसा वैराग्य, ऐसा भजन करने की प्रेरणा दें, जिससे हमारे अंदर भी भजन करने की प्रेरणा हो, जिज्ञासा पैदा हो कि मैं भी भजन कर सकूं। उनसे यही प्रार्थना, और दोबारा आप लोगों को बता दूं, कल स्नान यात्रा है, क्योंकि ऑलरेडी बोला गया है कि ज़्यादा भीड़ आप लोग नहीं लगाइएगा, इसलिए आप लोगों के सुविधा के लिए फेसबुक पेज बनाया गया है, यूट्यूब चैनल बनाया गया है। जो बंधु लोग, मित्र लोग फेसबुक चैनल पर देखना चाहते हैं, वो लाइव 9:15 के बाद शुरू हो जाएगा स्नान यात्रा, आप लोग लाइव दर्शन करेंगे। जो लोग नहीं फेसबुक यूज़ करते, पेज यूज़ करते, उन लोगों के लिए वो अपडेट किया जाएगा, वो अपडेट करके देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलिए आप लोग आसपास में कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक देखें, सुनें। कल भी बहुत सी महिमाएं हैं, कल भी महिमाएं बोली जाएंगी, तो आप लोग सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा। हरे कृष्ण।